देखो अभी भी बोलता हूँ, तुम मेरे पास नौकरी कर लो, सबको पानी मिल जाएगा। हाँ मखा, तुम भी परेशान हो रहे हो और हमें भी थका रहे हो। डेविड सर, एक दिन भी नहीं हुआ इस लड़ाई को और आप कह रहे हैं कि आप थक गए। हम तो ऐसी लड़ाइयां सदियों से लड़ते आए हैं, हम नहीं थके अभी तक। इतने जल्दी मत थकिए आप भी, और हम भी नहीं थकेंगे। हितेश काका, मैं जानता हूं कि आज की ये रात हम सब के लिए वाकई में बहुत अंधेरी रात है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कल एक नई सुबह होगी और वो सुबह नई रोशनी लेकर आएगी। क्या बोला? सुबह होगी, सुबह जरूर होगी, लेकिन वो सुबह होगी हमारी जीत की। जो भाइयों, हाँ हुआ। ये डेविड सर विदेशी हैं, इनका हिसाब किताब अलग है, लेकिन हम यहीं के हैं और यहीं हैं। जिस संघर्ष की तू बात कर रहा है भीमराव, वो संघर्ष सदियों से हमने करवाया है तुम लोगों से और परिणाम निकला है हमारी जीत। क्यों भाइयों? बिल्कुल। इसलिए जो भी करना है कर ले, पानी की एक बूंद भी तुम लोगों को मिलने नहीं वाली, समझे? अब उसकी कोई जरूरत नहीं। मतलब वो डेविड जी के यहाँ नौकरी करने के लिए तैयार हो गए। क्या क्या वाह, ग्रेट न्यूज़, शुभकामनाएं हो आपको। दिमाग खराब हो गया उसका? मैं भी बात करता हूं। बाबा जाने दीजिए। कैसे? उन्होंने मुझसे कहा कि मैं खबर आप सबको दे दू, रात भर खुद को समझाएंगे कि उनके सिद्धांत आज उनके अपनों के लिए रोड़े बन गए। समझाएंगे कि अभी अगर उन्होंने अपनी जिद नहीं छोड़ी, पता नहीं कल क्या होगा। खुद को तैयार करेंगे, अपने स्वाभिमान से समझौता करके डेविड जी की नौकरी करने के लिए। मगर भीम बाबू को ऐसा करने की क्या जरूरत थी? ये तो भीम की जिद थी कि हम पानी यहीं से लेंगे, इसी बावड़ी से, वरना हम तो पूरे शहर भटक भटक कर कहीं से भी पानी ले आते। शोभा, भीम को जो सही लगा उसने वो किया। सुबह तक इंतजार कर, पानी की समस्या की वजह से ही ये खेल शुरू हुआ। इसी बावड़ी के सामने कल सुबह भीम अपने चौप के फॉर्म में सिग्नेचर करेगा और फिर यहीं पे सबको पानी दिया जाएगा। भाइयों सुना, ये हमारी जीत है और इस जीत का जश्न जारी रहना चाहिए। खाइए।
वेट सर, बहुत हुई इन सबकी बकवास। सर ये जो भी है फाड़ के फेंकी। नहीं फाड़ सकता। क्योंकि सयाजी महाराज ने मेरे बड़े ऑफिसर से डायरेक्टली बात की है और ये लिखा है क्योंकि भीमराव उनके स्कॉलरशिप में पढ़ता है तो हम ब्रिटिशर्स उनके पढ़ाई में इन्फिल्ट्रेट नहीं कर सकते। मुझे उनकी बात माननी पड़ेगी नहीं तो मेरी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। तो पढ़ने दीजिए, पहले ये खुद समझेंगे फिर आप सबको समझाएंगे। इन्हें पढ़ने में थोड़ा समय लगता है क्योंकि कॉलेज जाने के लिए समय नहीं मिलता ना, पूरा दिन तो हमारे चाल में ही रहता है ना जोशी जी। मुझे मत देखिए, पढ़िए क्या लिखा है। अच्छा अपने लिए नहीं लेकिन अपनी जात के अपने समाज के भाइयों के लिए तो पढ़िए, उन्हें बताइए क्या है इसमें। रतम क्या लिखा है इसमें पढ़ो। प्रसन्न देव जी ये लिखा है अब बोलो भी। बकवास। और बकवास न मैं सुनना पसंद करता हूं और ना ही पढ़ना। ये कागज के चंद टुकड़े हमारी ताकत को रोकेंगे हा? भाइयों उठाओ लाठियां और सामने दिख रहे इन सारे सामाजिक अपराधियों की हड्डियां तोड़ दो। रुक जाइए। पीछे हटिए। नरोत्तम जोशी जी बोल। जो लेटर आपके हाथ में था उसकी एक कॉपी मेरे हाथ में भी है और इसमें क्या लिखा है कम से कम अपनी जात के लोगों को एक बार सुन तो लेने दीजिए। तो आप ही बता दीजिए क्या लिखा है इसमें। रमेश सुरेश रामू राजा नंदन देवेंद्र प्रकाश। हम सबका नाम क्यों पढ़ रहे हैं एडिटर साहब, क्या है? आप लोगों के नाम लिखे हैं इसमें। अगर आप लोगों ने हमारी बात यानी कि ब्रिटिश ऑफिसर्स और सयाजी महाराज के बीच जो बातें तय की गई है वो बात नहीं मानी तो आप सबको जेल भेज दिया जाएगा। नितेश भाऊ अरे क्या हुआ बताइए जल्दी। उस समय तुम दोनों हंस रहे थे ना, अभी मैं हंस रहा हूं वो इसलिए कि भीमराव हार गए। तुम दोनों को क्या लगता है कि भीमराव बहुत तेज है लेकिन ना देवीद सर भीम से तेज निकले और भीमराव को हरा दिया। हितेश भाऊ सब सब विस्तार में बताइए। बताता हूं क्योंकि सयाजी महाराज ने मेरे बड़े ऑफिसर से डायरेक्टली बात की है
और ये लिखा है चूंकि भीमराव इनके स्कॉलरशिप में पढ़ता है तो हम ब्रिटिशर्स उनके पढ़ाई में इंफिल्ट्रेट नहीं कर सकते। अगर आप लोगों ने हमारी बात यानी कि ब्रिटिश ऑफिसर्स और सयाजी महाराज के बीच जो बातें तय की गई है वो बात नहीं मानी तो आप सबको जेल भेज दिया जाएगा। दे दो पानी। अरे छी, इसमें तो कुत्ता मरा पड़ा है। मैं इतनी मेहनत की लेकिन फिर भी कुछ भी ना हो पाया। और तुम इतने होशियार बनते थे तो तुम्हारे हाथ क्या लगा? मायूसी, हार, बेइज्जती। और अब जब मरा हुआ कुत्ता उस पानी में मिला तो वहां से तो पानी भी नहीं मिलेगा। अब देखते हैं क्या होता है। ये तो फर्क है तुम दोनों में और मुझ में। इतने जल्दी नहीं छोड़ूंगा इस भीमराव। अभी तो मैं उसके पीछे लगूंगा। पानी का खेल मैंने शुरू किया है, ये मैं एक डेंजरस मोड में लेकर जाकर ही दाम लूंगा। बड़े साहब जी, ये छोटी जात वाले तो अपने ही बावड़ी या तालाब से पानी लेने जाएंगे तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? इस पानी की गेम का पहला अध्याय ऊंची जात के बावड़ी पे खत्म हुआ। दूसरा अध्याय शुरू होगा छोटी जात के उसी तालाब में जहाँ पे वो पानी लेने गए हैं। डेविड सर, अभी भी हम कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। स्पष्ट बोलिए। बताता पहले काम होने दो फिर हंसो। यही दिक्कत है कि पहले काम हुआ नहीं और तुम खुद को विजय मान के। राम जी वाह, भीम आप भी आ जाओ पानी पी लो। भीम, तुम उदास मत हो। हम भले ही उस बावड़ी से पानी लेने में जीत न पाए मगर इस बात की कम खुशी नहीं कि उन ऊंची जात के लोगों ने अपनी ही बावड़ी में कुत्ता मार के डाल दी। वही तो, एक तरह से विजयी ही हुए हैं। इस विजयी होने की खुशी में हम मिठाई नहीं खाएंगे बल्कि पानी पिएंगे। जा भीमराव और राम जी तू भी जा पानी पी और मरो। यही तो चाहता हूं मैं। दीदी पहले आप पानी पी लीजिए।
भीम बच गया। अगर ये भीमराव पहले पानी पी लेता और बाकी सब बात में बेहोश होते तो ठीक रहता, लेकिन अब ये भीम पानी पिएगा नहीं। चलिए चलते हैं, जो होगा खबर तो मिल ही जाएगी। चलिए नरोत्तम, ये मनोरम दृश्य छोड़कर जाने का मन तो नहीं कर रहा है, लेकिन ये दोनों यहाँ आए हैं मतलब जरूर भीम का कुछ बुरा हुआ होगा, तभी आए हैं, वरना ये दोनों क्यों आते? क्या हुआ बताइए, क्या क्या बताए तुम सबको पता नहीं? क्या नहीं पता? वहां तालाब पर भीमराव और तुम्हारी चाल के लोग पानी पीने गए थे, बेचारे पानी पीते पीते बेहोश हो गए। बेहोश हो गए मतलब? मतलब ये बैसाखियां ली, दौड़ के जा और जाकर देख बेहोश होने का क्या मतलब होता है। चलिए और रामजी, रामजी कैसे? डॉक्टर साहब ने तो कहा था दवाई लेके आ जाएंगे, इतना समय हो गया अभी तक आए क्यों नहीं? चल के देखे क्या? चलो। रुको, डॉक्टर साहब ने ये दवाई दी है, बेहोश सभी लोगों को पिलाइएगा, एक दो घंटे में होश आ जाएगा। मगर डॉक्टर साहब कहाँ है? वो अचानक से एक केस आ गया है तो वहीं है, अभी पिलाइए काम करेगा। लेकिन वो क्यों नहीं आए? वो अभी एक अर्जेंट ऑपरेशन में है, ऑपरेशन खत्म करते आ जाएंगे। आप ये पिलाइए कहीं लेट ना हो जाए। आएंगे ना डॉक्टर साहब? हाँ पक्का आ जाएंगे, अभी ले लो। चलो, छोटी जात का वो भीमराव बड़ी जात से उलझता है, सत्ता से भी उलझ रहा है, और उसके सामने वो मुझे भी कुछ नहीं समझता। बताइए ये गलत है ना? ये गलत है ना उसका सोच? हाँ बिल्कुल गलत है। आप तो सरकार के लिए काम करते हैं, मतलब हमारे लिए काम करते हैं, तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप उसको सबक सिखाने में हमारी मदद करो, ताकि उसकी निष्ठा देश की लॉ एंड ऑर्डर पे बन सके। लेकिन सर आपने दवा की जगह पानी भेजा है, वहाँ भीम और रमा उन बेहोश लोगों को पानी पिला रहे होंगे, ऐसे में उन मासूम लोगों की जान जा सकती है। ये तो और भी अच्छी बात है। डॉक्टर साहब, दो चार कुर्बानी बनती है आवश्यक है। आप परेशान क्यों हो रहे हो बड़े साहब जी? आप अपनी चाय पीजिए। डॉक्टर साहब ने ये दवाई दी है और कहा कि सबको पिलाइए। पिलाइए? डॉक्टर साहब कहाँ है? वो क्यों नहीं आए? वो आ जाएंगे, उन्होंने कहा है कि किसी अर्जेंट ऑपरेशन में है, ऑपरेशन खत्म करके यही आने वाले हैं। ठीक है, फिर सबको दवा पिलाते हैं। बेटा पहले पहले दीपक को पिला जल्दी। मैं आता हूँ कुछ जरूरी यंत्र दवाएं लेकर आता हूँ। डॉक्टर साहब जल्दी आइएगा। डॉक्टर साहब ने ये दवाई दी है,
इसे बीमार सारे मरीजों को पिलाइएगा, एक दो घंटे में होश आ जाएगा। मगर डॉक्टर साहब कहाँ है? वो अचानक से एक केस आ गया है तो वही है, अभी पिलाइए, काम करेगा। कुछ तो अजीब है, अजीब लग रहा है। हुआ है ना, अस्पताल परिसर में शांति बनाए रखें। अच्छा कर रहे हैं तुम सब, इसी व्यवहार की और इसी जगह के हकदार हो। नरोत्तम, आपसे बहस करने का मेरे पास समय नहीं है अभी। बाबा मैं ऐसा करता हूं, मैं किसी बाहर के डॉक्टर को बुला के लाता हूं, उनसे इलाज करवाते। रमा तब तक तुम दरवाजा खोलने की कोशिश करो। दरवाजा खोलिए। ये जो दरवाजा बंद हुआ है ये प्रतीक है कि आने वाले समय में हर एक दरवाजा तुम सबके लिए बंद होगा। ये दिन ब दिन जो तुम सब उद्दंडता करने की हिम्मत कर रहे हो, ये हिम्मत टूटेगी और ऐसी टूटेगी कि आगे आने वाले समय में किसी भी बंद दरवाजे को खुलवाने की हिम्मत नहीं करोगे तुम सब। आगे जब तुम्हें कोई बंद दरवाजा दिखेगा तो उसे देखते ही तुम सब दबे पांव विपरीत दिशा में भागोगे। बंद दरवाजे देखकर डरोगे, कांपोगे तुम सब। अरे इस बुजुर्गों को कुछ बोलने दे। राम जी बोलो बोलो कुछ बोलो, वैसे भी समय बहुत कम बचा है। हाँ मतलब इन सारे बेहोश लोगों में से दो चार भी मर गए तो कुछ बोलने लायक बचोगे नहीं, क्योंकि इनकी मौत की जिम्मेदारी तेरी और तेरे उस बेटे भीमराव की होगी, समझा? हाँ ठीक है, लेकिन अभी मुझे जाने दीजिए, मुझे अस्पताल जाना है। कोई और रास्ते चले जाओ। ठीक है, आपसे बहस करने का समय नहीं है मेरे पास, बगल से चला जाता हूँ। रास्ते के बगल से भी नहीं जा पाओगे, ये पूरा इलाका साफ हो रहा है। क्यों नहीं जा पाऊंगा? कीजिए ना साफ, मैं आपको थोड़ी रोक रहा हूँ, आप भी मुझे मत रोकिए ना। तेरी समझ में नहीं आएगा भीमराव, क्योंकि तुझमें बुद्धि ही नहीं है। क्या है कि हम सारे बड़ी जात वाले मिलकर इस पूरे इलाके की सफाई करवा कर इसे शुद्ध करवा रहे हैं, और अगर तू यहां से गुजरेगा तो ये जगह शुद्ध हो जाएगी। दरअसल बात यह कि बड़ी जात वालों की शिकायतें आ रही थी कि उनकी जिंदगी से खुशियां गायब हो गई है, परेशानियां बढ़ रही है, एक अजीब सी मनुष्यत छा गई है। तो पता किया तो पता चला कि तेरे जैसे छोटी जात वाले लोग यहां से गुजरते रहे हैं, इसलिए तय किया गया कि आगे से कोई भी तू या तेरी जात वाला यहां से ना गुजरे। कुछ नहीं, आप बस मुझे परेशान करने का तरीका ढूंढ रहे हैं। देखिए मुझे अभी जाने दीजिए, वहां अस्पताल में हमारे लोग बेहोश पड़े हुए हैं, उनका इलाज कराना जरूरी है। ए भीमराव, चुपचाप यहां से वापस चला जा, कोई और रास्ता पकड़ ले, नहीं तो मेरी एक आवाज से 100 लोग यहाँ पे आएंगे और तुम्हें बेहोश कर देंगे। और भीमराव, अगर तू बेहोश हो गया तो तेरे लोगों का इलाज कौन करवाएगा?
यहाँ समय बर्बाद करने से अच्छा है कि मैं किसी दूसरे रास्ते से जाऊं। दिखता नहीं है, ग्रेज आफ्टर हर, और इतनी ताकत रखता हूँ कि अगर मैं चाहूं तुम्हारा पेशेंट को देखना बंद कर दूंगा, तुम्हारा बिजनेस बंद कर दूंगा। बोल रहा हूँ, चुपचाप घर पर चले जा और इस भीमराव को अपने हाथ पे छोड़। देखिए सर, आप इनके बात बिल्कुल भी मत मानिए, ये यही चाहते हैं कि हमारी जात के लोग मर जाए। आप चलिए ना मेरे साथ, आइए। नहीं, चुपचाप अपने घर चले जा। माफ कीजिएगा सर, इनके पास तो कारण भी है मुझे साथ ले जाने का, मगर आपके पास ऐसा कोई कारण नहीं है मुझे यहाँ रोकने का। और अगर मैं इनके साथ नहीं गया तो मेरे प्रोफेशन का क्या होगा? आई एम सॉरी सर, मुझे जाना ही होगा। चलिए चलिए चलिए, आइए। ये क्या बदतमीजी है सर? मैंने तो कहा था कि तुम्हारे पास कोई कारण नहीं है मुझे रोकने का। ले, दे दिया कारण। अभी जल्दी से हड़ताल पे चले जा और बोल दो कि भीमराव ने तुम्हें धक्का दे दिया। नहीं डॉक्टर साहब, मैंने सच में कुछ नहीं किया, इनकी बातों में मत आइए। सोचो, इसकी बात मानी है कि मेरी आधा घंटा लगेगा तुम्हारे फैमिली के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने का, फिर उनको मैं धक्का दे के नहीं समझाने वाला। तुम्हारा था तो मैंने समझा दिया ताकि तुम समझ सके, लेकिन तुम्हारे फैमिली को सीधा हवालात में डालूंगा। बाकी तुम खुद समझदार है। पहले इन सबको अस्पताल के अंदर ले चलते हैं, अंदर जाके देखते हैं कि क्या करना है। अरे क्या होगा अस्पताल के अंदर जाकर। डॉक्टर साहब, ये अच्छे से ध्यान रखिएगा कि इनमें से कोई भी अंदर जाने ना पाए। अगर ये अंदर गए तो पूरा का पूरा अस्पताल अशुद्ध हो जाए। बस हो गया, अभी बस हो गया आपका ये शुद्ध अशुद्ध का नाटक। अब कोई सामने आए और रोक के दिखाए हमें, आज अपनी अपनी ताकत आजमाएंगे, चाहे मर जाएंगे आज, लेकिन इन सबको हॉस्पिटल के अंदर लेके जाएंगे। मर जाओ, यही तो हम चाहते हैं। आज हम भी देखेंगे कि कैसे ये लोग अपनी जान देते हैं। मरो नरोत्तम जोशी। यहाँ खड़े खड़े बकवास करने से अच्छा है कि जरा सोचिए और ढूंढिए आपकी सोने की घड़ी कहां गिर गई है। चलिए बाबा चलो। घड़ी, अरे पीछे देख। बाबा वहां पे रखिए। बैठ कीज जल्दी। अरे अशुद्ध हो जाएगा, ध्यान रहे कोई बैठ के टच नहीं होना चाहिए। बाबा नीचे रखते हैं, हमें इलाज से मतलब है, इनके बेड से नहीं। आइए रखिए। तो चंडदेव जी, मेरे सोने की घड़ी, मेरी घड़ी कहां गिर गई है? कहीं नहीं गिरी है, वो इस भीमराव के पास ही है, तभी वो ये सब कुछ बोल रहा है। भीमराव के पास मेरी घड़ी है तो और बड़ी समस्या हो गई ना। भीम वो उस घड़ी को हमारे खिलाफ सबूत के तौर पे इस्तेमाल कर सकता है। नहीं नहीं नहीं, कुछ करना होगा। आइए आइए आप लोग, आइए चलो चलाओ।